दोस्तों जब ये फोन सब कुछ कर सकता है तो फिर पासपोर्ट फोटो क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे वो जो आपको पासपोर्ट फोटो जरूरत है, जी हां ये वाली, इसका साइज होता है 3.4 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर। तो ये वाली पासपोर्ट फोटो जो मल्टीपर्पज होती है, हर जगह लगती है, इसे कैसे हम मोबाइल से बना सकते हैं और अर्जेंट में अपने किसी भी कलर प्रिंटर से निकाल सकते हैं। वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई हैं और बड़ी आसान तरीके से बताई हैं, जिससे कोई भी अपने फोन और अपने प्रिंटर को यूज करके घर पर ही बड़ी आसानी से अर्जेंट में पासपोर्ट फोटो निकाल सकता है। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। तो दोस्तों, जिसकी भी पासपोर्ट फोटो आप निकालना चाहते हैं, सबसे पहले फोन की मदद से अच्छी लाइटिंग कंडीशन में उसके फोटो क्लिक कर लीजिए। उसके बाद प्ले स्टोर में जाइए और वहां जाकर के आपको सर्च करना है पासपोर्ट फोटो मेकर। वहां पर आपको काफी सारे ऐप मिलेंगे, जिसमें कि आपको ये वाला जहां पर लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फोटो मेकर जेड मोबाइल एप्स, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली ऐप को ओपन कर लेना है और यहां पर आपको कैमरा, गैलरी, माय इमेजेस और बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन चूंकि आप फोटो खींच चुके हैं तो आपको सिंपली गैलरी वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इसके बाद आप फोटोज पर जाइए और जो भी फोटो अभी आपने क्लिक की है उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। और अब आपको वो ऑप्शंस दिख रहे हैं जो अलग अलग कंट्रीज के पासपोर्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, मतलब अलग अलग साइजेस के लिए। तो ये आपको नहीं सेलेक्ट करना है, आपको अपने ही साइज की जो हमारे यहां चलती है वो फोटो बनानी है, जो स्कूल, कॉलेजेस और नौकरियों के फॉर्म में लगती है उसको। तो वो फोटो का साइज 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया और जो जनरली स्टूडियो में लोग बनवाते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे नीचे कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको यहां नीचे पिक्सल लिखा हुआ दिख रहा है, यहां पर आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको विड्थ में 3.5 और हाइट में 4.5 डाल करके ओके कर देना है, जिससे कि आपकी जो फोटो है वो इसी साइज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद अगर आपकी फोटो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है तो आप नीचे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, राइट रोटेट, लेफ्ट रोटेट और वर्टिकल, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं करना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यहां ऊपर करेक्ट का टिक का सिंबल आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप फोटो को, फेस को अलाइन कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें, हमारी फोटो सही है तो हमें अभी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो सिंपली हम नॉर्मल जैसा था वैसा ही छोड़ देंगे और इसको टिक कर देंगे। अब आपको फोटो बहुत ध्यान से एडजस्ट करनी है। यहां पर आपको दिखा रहा है कि फोटो को कैसे सेट करना है, तो यहां पर फोटो को ड्रैग करा करके पूरा फेस जो है वो फोटो पर ले लीजिए। यहां पर ऑप्शन फेस का दे रहा है और बस अब आप इसको ओके कर दीजिए, आपकी फोटो रेडी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आपकी फोटो लाइटिंग कंडीशन ठीक नहीं थी तो आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और शार्पनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी वो भी ठीक है तो हम इस ऑप्शन को भी छोड़ देंगे और इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। मतलब आपको फोटोशॉप जैसे किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई फोटो है जिसमें लाइटिंग कंडीशन ठीक नहीं, तो आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके उसे भी करेक्ट कर सकते हैं। यहां तक आ गए तो आप ये मत सोचिएगा कि आगे भी आप कर लेंगे, आप बस 2 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आगे प्रिंट की जो सेटिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी प्रिंटिंग जो है वो गड़बड़ निकलेगी। तो बस इसके बाद आपको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ जाइए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फोटो को चारों तरफ बॉर्डर आए तो आप यहां से हल्का सा बढ़ा करके जितना चाहें उतना बॉर्डर दे सकते हैं और इसके बाद फिर से करेक्ट के निशान पर क्लिक कर दीजिए, आपकी फोटो रेडी है। अब ये फोटो तो रेडी हो गई, तो इसको पासपोर्ट साइज की अलग अलग फोटोज में कैसे प्रिंट करेंगे? मतलब जैसे आप अगर आपके स्टूडियो में 20 की 4 फोटो, 30 की 6 फोटो, जो भी आपका प्राइस हो वो निकालनी है, तो आप एक पेपर पे 6 निकालते होंगे 4 निकालते होंगे, तो उस साइज में कैसे फोटो सेट करेंगे? आप चाहे तो पूरे A4 पेपर पर 8x10 का जो पेपर आता है फोटो वाला, उस पर सारी फोटोज निकाल सकते हैं, लेकिन आप कम निकालना चाहें तो उसकी सेटिंग में अब आपको बताने वाला हूं। आपको करना क्या है, ये जो प्रिंट वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर दीजिए और अब आपसे पूछ रहा है किस पेपर साइज पर फोटो प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैं पहले आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने A4 पेपर यहां पर सेलेक्ट किया, तो देखिए पासपोर्ट साइज फोटो पूरे पेपर पर सेलेक्ट करके इसने दे दी। अब आपको सिंपल प्रिंट देना है, लेकिन प्रिंट देना भी इतना आसान नहीं है, आप अपने फोन से कैसे प्रिंट आउट निकालेंगे वो भी देखना जरूरी है। तो मुझे ऐसा नहीं देना, मुझे 6 फोटो निकालनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे जो कस्टम पेपर साइज लिखा है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहां पर आप इंचेस सेलेक्ट कर लीजिए, सबसे नीचे वाला ऑप्शन। तो हमारी फोटो 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर की है। A4 पेपर की जो विड्थ होती है वो 8 पॉइंट समथिंग
इंचेस की होती है, तो हम विड्थ में 8 डाल देते हैं क्योंकि हमें 6 फोटो पूरे पेज पे चाहिए, और नीचे जो 4.5 सेंटीमीटर है वो इंचेस में अगर कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स 2 इंचेस होता है, तो हाइट में हम 2 इंच डाल देंगे। ये हम पेपर का जो डायमेंशन है वो सेट कर रहे हैं, और जैसे ही आप ओके कर देंगे, ये देखिए आपके सामने 6 फोटो पासपोर्ट साइज जो आप नॉर्मली निकालते हैं वो बनके तैयार हो गई। अब बस आपको ओके कर देना है, अभी ये प्रिंट नहीं होगी, इसको ओके करके सेव कर लीजिए। ये देखिए सेव हो गई गैलरी में। अब आप फोन से प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे उस पर आते हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि कैसे आप अपने फोन के थ्रू प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वो आप वीडियो देख लीजिए अगर आपको डिटेल में पता करना है। फिलहाल मैं आपको यहां पर भी थोड़ा सा बता देता हूं। आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसको हम बोलते हैं नोको प्रिंट, जिसे आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप की खासियत यह है कि अगर आपके फोन में तो नॉर्मली वाईफाई होता ही है, अगर आपके प्रिंटर में वाईफाई है तो वाईफाई के थ्रू भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू भी निकाल सकते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आपके पास इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, केवल सिंपल आपका प्रिंटर यूएसबी वाला है जो आप कंप्यूटर और लैपटॉप में कनेक्ट करके प्रिंट आउट निकालते हैं, तो भी आप फोन से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसी यूएसबी के थ्रू। बस आपको करना क्या है, अपना जो प्रिंटर है उसमें अपने फोन की जो ओटीजी केबल इसमें कनेक्ट कर देनी है, और अब आपको गैलरी में जाना है जहां पर हमने फोटो पासपोर्ट वाली बना करके सेव की थी, और बस उस फोटो पे क्लिक कर लेना है। अब आपको शेयर वाले ऑप्शन पर आना है यहां पर, या सेंड जो भी आपके फोन में ऑप्शन हो इस पर क्लिक करना है और नोको प्रिंट ऐप सेलेक्ट करना है। ये ऑटोमेटिकली जो भी प्रिंटर है आपका उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसका जेनेरिक ड्राइवर डाउनलोड कर लेगा। देखिए यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है मेरा प्रिंटर कैनन G1010। और अब दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा प्रिंटर की सेटिंग, नहीं तो आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको करना क्या है, जहां पर प्रिंटर का मॉडल लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको पेपर साइज पे क्लिक करना है, और यहां बहुत सारे प्रिंट सेटिंग आपको देखने को मिल रही है। आपको क्या करना है, साइज एंड लेआउट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां पर बहुत ध्यान से ऑप्शन को सेट करिए। आपको सबसे पहले तो जाना है इमेज पर पेज पे, तो आपको यहां सिंगल कर देना है और ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको फिर से इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और साइज एंड लेआउट वाले ऑप्शन पर जाना है और इमेज जो साइज दिया गया है उसको फुल पेज कर लीजिए। इसके बाद आपको फिर आना है इसी ऑप्शन पे और अब आपको जाना है पेपर स्केल यानी इमेज स्केलिंग पे, और यहां पर आपको कर देना है स्केल टू फिट जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, इससे कि आपकी फोटो जो है वो पेपर पर आ गई। फिर आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब पेपर का जो ओरिएंटेशन है उसको सेलेक्ट करना है। यहां पर आइए और यहां पर आप इसको पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए अब आपका पूरा A4 का पेपर दिख रहा है और बीचों बीच आपको फोटोज दिख रही हैं, पर हमें निकालनी है टॉप पे। तो फिर आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और आना है यहां पर पोजिशन में। पोजिशन में आने के बाद आपको सेलेक्ट करना है टॉप मिडिल और इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए आपकी फोटो पेपर में सबसे ऊपर जैसी आप प्रिंटिंग चाहते हैं वैसी आपको दिखने लगी, और बस अब आपको फिर से इसी ऑप्शन पर आने के बाद पेपर एंड प्रिंटिंग ऑप्शन में सबसे नीचे वाले ऑप्शन में चेक कर लीजिए, पेपर A4 साइज सेलेक्ट होना चाहिए और आउटपुट मोड अगर आप चाहें तो फोटो पेपर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहां पर क्लिक कर दिया और अब आपको सिंपली प्रिंट पे क्लिक करने से पहले इस तरह का एक फोटो पेपर जो A4 साइज का है इसको प्रिंटर पर लगा देना है, कैसेट को सेलेक्ट कर लेना है, सेट कर देना है और उसके बाद सिंपली प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और बस यहां पर मैं फोन को रख दे रहा हूं और अब आपके प्रिंटर को फोन ने प्रिंटिंग दे दी है और प्रिंट आउट निकलने के लिए रेडी है। ये देखिए दोस्तों प्रिंटर ने प्रिंटिंग ले ली है और हमारी प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है। जब तक ये प्रिंट कर रहा है तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कहने की जरूरत नहीं है, लाइक कर दीजिए, दबा के करिए, और हाँ बहुत सारे लोगों के ये वीडियो काम आ सकता है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं जिससे आपकी मदद होती है। प्रिंट आउट हमारा हो चुका है और अब ये देखिए निकल के बाहर भी आ गया है। ये देखिए ये रहा आपका प्रिंट आउट जो आपने फोन से निकाला है और ये कितना बढ़िया निकल के आया है। और अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं दिखा देता हूं, ये देखिए प्रिंटर रखा हुआ है, इसके ऊपर फोन रखा है और ये इसी की डाटा केबल इस पे लगी हुई है। मैंने किसी भी तरह का कोई वाईफाई ऑप्शंस का यूज नहीं किया है। तो दोस्तों ये रही वो फोटोज, आप सामने देख सकते हैं, और इन्हें आप कट करके पासपोर्ट फोटो जो स्कूल कॉलेजेस में लगती है उनको निकाल सकते हैं अपने सिंपल इस
स्मार्टफोन और इस केबल ओटीजी केबल की मदद से किसी भी प्रिंटर से। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके बहुत काम आने वाला है। इसकी मदद से आप अपने शॉप पर भी प्रिंटिंग कर सकते हैं और घर पर चाहें तो अपने घर के प्रिंटर से भी इस तरह के पासपोर्ट फोटो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।